ऑलराइट फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों का काफी ये आ रहा था कि सर आईसीआई मॉड्यूल जो है आपके पास, आईसीआई मॉड्यूल से आप हमको परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन वाला जो चैप्टर 7 है वो आप करा दीजिए फ्रेंड्स। ओके, उसमें फ्रेंड्स ये जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाला जो पार्ट है आपका, ये जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाला पार्ट है, इसमें आपके दो पार्ट हैं। एक है फाइनेंशियल, एक है आपका फाइनेंशियल और एक आपका है नॉन फाइनेंशियल, और एक आपका है दोनों का मिक्स, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। नाउ फाइनेंशियल में पहले अपन देख लेते हैं कि जो आपका मेजरमेंट और इवेल्युएशन होगा, एक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आरओआई, एक आपका कॉन्सेप्ट है आरआई और एक आपका कॉन्सेप्ट है ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एक ईवीए है, एक आपका आरआई है और एक आपका आरओआई है। सही है सुनो फ्रेंड्स, तो ये फाइनेंशियल, इसके साथ साथ आपका क्या होगा, ये जो फाइनेंशियल वाला जो पार्ट है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आरओआई आरआई और ईवीए। अब सबसे पहले आपके पास आईसीआई का लेटेस्ट मॉड्यूल होना चाहिए आपके पास। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपके पास आईसीआई का न्यू मॉड्यूल होना चाहिए आपके पास। आईसीआई का जो नया वाला जो मॉड्यूल है, आईसीआई का जो नया मॉड्यूल है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो यू जस्ट डायल 9820-9820-30925। आप मेरा नंबर 9820-30925 आप मुझे डायल करिए और मैं आपको आईसीआई का जो इस चैप्टर का जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं दे दूंगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आईसीआई का पूरा मॉड्यूल अपने फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अभी पूरा तैयार नहीं है, लेकिन चैप्टर वाइज मैं आपको देता चलूंगा करके ना, जो जो क्वेश्चंस आपको उनका, जिनका फॉर्मेट आपको नहीं जमता है वो क्वेश्चंस मैं आपको अपने फॉर्मेट में सॉल्व करके दे दूंगा। कुछ क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं उनको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है डीकेसी प्लस का, डीकेसी प्लस में दो तरह की हम लोग क्वेश्चंस यूज कर रहे हैं, एक आईसीआई मॉड्यूल के कर रहे हैं और एक आईसीआई मॉड्यूल को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपने को चाहिए, तो वो बेसिक क्वेश्चंस भी मैं आपको अपने डीकेसी प्लस बुक में दे रहा हूँ। काफी वीडियोज हमने रिलीज किए हैं, आप लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, तो आप मुझे बताते चलिए कि आपको कैसा लग रहा है। आज हम लोग फाइनेंशियल की बात करते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में फाइनेंशियल जो है उनकी अपन बात करते हैं। फाइनेंशियल में आपका आरओआई है, आपका आरआई है और एक आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है आपका पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे सपोज एकदम सिंपल तरीके से आप चलिए तो मैं आपको एकदम एक एक चीज आपको क्लियर करा देता हूं। ओके, पेज नंबर 7.1 से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये चैप्टर है आपका 7, चैप्टर 7 है, इसके लिए आपका पेज नंबर 7.1 से आपका स्टार्ट हो रहा है। सही है सुनो फ्रेंड, परफेक्टली क्लियर हो रहा बताइए। ओके, तो सबसे पहले आप कुछ भी, मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक लॉजिकली आपको लाइक यू नो दैट चीज समझाना चाहता हूं कि सपोज यू टेक द एग्जांपल, आपके पास दो लिमिटेड कंपनी है ए एंड, या सपोज आपके पास एक कंपनी है दिस इज योर कंपनी वन और उसके डिविजन्स हैं ए एंड डिवीजन है बी। एक कंपनी है उसके दो डिवीजन है, एक है डिवीजन ए और एक है डिवीजन बी, और डिवीजन आर इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल, डिसेंट्रलाइज्ड, राइट। अपनी परफॉर्मेंस हमको इनकी इवेल्युएट करनी है डिवीजन्स के बेसिस पे, राइट। ये जो डिवीजन्स है, कंपनी है, कंपनी का पार्ट है, उनके दो डिवीजन है, दो इंडिपेंडेंट डिवीजन है और उनका हमको इवेल्युएशन करना है। तो हम लोग कैसे कैसे इवेल्युएशन कर सकते हैं, एक आरओआई से कर सकते हैं, एक आपका आरआई से कर सकते हैं और एक आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए से भी हम कर सकते हैं। हमको परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना है। अब जैसे सपोज आपको लगता है कि ये डिवीजन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ, इसको हम लोग कभी कभी कंट्रोलेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, मीन्स ओनली प्रॉफिट रिलेटेड टू डिवीजन,
नॉट द कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, डिवीजन का प्रॉफिट है. सपोज आपको लगता है डिवीजन का प्रॉफिट इज रुपीज 4 लाख और ये डिवीजन का प्रॉफिट है सपोज से रुपीज 7 लाख और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं, आपको कंट्रोलेबल प्रॉफिट है और ये कंट्रोलेबल प्रॉफिट है आपके डिवीजन का प्रॉफिट है. आपका डिवीजन बोलता है मैंने कमाया, ए बोलता है 4 लाख और बी बोलता है कि मैंने कमाया 7 लाख. अब आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है. अगर आपको परफॉर्मेंस एवेल्युएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्रॉफिट, आप क्या बोलेंगे कि भाई कंपनी बी है वो बेस्ट हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज कंपनी बी ने बेस्ट प्रॉफिट कमाया है. लेकिन आपने इसमें क्या किया, आपने ये तो देखा ही नहीं कि दोनों के अंदर जो डिवीजन का इन्वेस्टमेंट क्या है, डिवीजन का इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका मतलब या तो डिवीजन की एसेट्स, डिवीजन के अंदर कितने एसेट्स लगे हुए हैं या नेट एसेट्स कितने लगे हुए, कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है, या इसको अपन बोल सकते हैं कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स एसेट्स कितने हैं या नेट एसेट्स कितने हैं या आपका कैपिटल एम्प्लॉयड. ये बोलता है कि भाई मेरे यहां कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 करोड़ और ये बोलता है कि माई कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 CR 2 करोड़. इसका मतलब हम लोग अगर अब हम लोग मेजरमेंट करेंगे राइट, अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे तो कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसका मतलब हम लोग निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कैसे निकालेंगे, इट मींस 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 CR इनटू 100 एंड दिस कम्स टू ओनली 4% एंड 7 लाख डिवाइडेड बाय 2 CR इनटू 100 एंड दिस कम्स टू 3.5. पहले आपका ये बेस्ट आ रहा था और अब आपका ये बेस्ट आएगा क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 4% है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3.5% है. व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट मींस डिवीजन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिवीजन एसेट्स. डिवीजन का एसेट्स और डिवीजन का प्रॉफिट, डिवीजन के प्रॉफिट को अगर हम लोग डिवीजन के एसेट से डिवाइड कर देते तो हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, हमको मिलेगा ROI. अब पहले देखो प्रॉफिट के बेस पे कंपनी कौन सी बी बेस्ट आ रही थी, बराबर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हम लोग कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के बेस पे हमारी कौन सी कंपनी आ रही थी बेस्ट, बी. ROI के बेस पे, ROI के बेस पे हमारा कौन सा कंपनी बेस्ट आ रहा है, हमारा कंपनी बेस्ट आ रहा है ए. ROI के बेस पे हमारा कौन सा कंपनी बेस्ट आ रहा है, हमारा कंपनी बेस्ट आ रहा है, हमारा कंपनी बेस्ट आ रहा है, हमारा कंपनी बेस्ट आ रहा है ए, क्योंकि ए का जो ROI है वो है 4%. ए का जो ROI है वो 4% है और बी का जो ROI है वो 3.5 है. ए का जो प्रॉफिट था वो 4 लाख था, बी का ही 7 लाख. अगर आपको प्रॉफिट पे जाना है तो आपका बेस्ट कौन सा हो गया, डिवीजन बी. अगर आपको खाली प्रॉफिट पे जाना है तो आपका कौन सा बेस्ट हो गया, आपका बेस्ट हो गया डिवीजन बी. बट अगर आपको ROI पे जाना है, क्योंकि अगर आपको डिवीजन का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई डिवीजन का एसेट, एसेट्स हो सकता है नेट एसेट्स हो सकता है या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं इसको, इट मींस डिवीजन का प्रॉफिट है 4 लाख, डिवीजन में एसेट्स एम्प्लॉयड है 1 करोड़, तो कितना हो गया 4%. 7 लाख 2 करोड़, 100 कितना हो गया 3.5. कौन सा बेस्ट हो जाएगा, आपका बेस्ट हो जाएगा, आपका बेस्ट हो जाएगा कौन सा, डिवीजन ए. इसके अलावा और अपन देखते कि भाई चलो इसमें अगर ROI के बेस पे तो हम देखते कि भाई देखो सपोज अगर आपका कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कंपनी का ROI, कंपनी का ROI है सपोज 2%. अब 2% के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल इनकम, रेजिडुअल इनकम ROI. कैसे, इट मींस आपका प्रॉफिट कितना था, तो प्रॉफिट इज 4 लाख, योर प्रॉफिट इज 7 लाख, देन ये आपका रिटर्न, रिटर्न आपका हो जाएगा इट मींस 1 करोड़
एंड 1 करोड़ के ऊपर 2% इज 2 लैक्स एंड 2 करोड़ के ऊपर 2% इज 4 लैक्स. इट मीन्स आपका आरआई बचेगा 3 लैक्स और आपका आरआई बचेगा 2 लैक्स. इसका मतलब कंपनी कौन सा बेस्ट हो गई, ये डिवीजन कौन सा बेस्ट हो गया, डिवीजन आपका बेस्ट हो गया बी. आपका डिवीजन कौन सा बेस्ट हो गया बी. ये आपका क्या हो गया आरआई. इट मींस आपका जो भी प्रॉफिट है उसमें से आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपका कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2% है करके. अब इसी के अंदर आरओआई आरआई के ऊपर अगर हमको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो हम लोग को डिसीजंस भी लेने रहेंगे करके. जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये है सपोज डिवीजन ए, ये है आपका सपोज डिवीजन बी. ओके, सपोज इसका आरओआई आ रहा है से 12%, इसका आरओआई आ रहा है सपोज 15%. अब हमको न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, ये बोलता है कि हम 14% कमा के देंगे, बराबर. ये बोलता है हम से 14% कमा के दूंगा और इसको आप ले लीजिए सपोज ये कमा रहा है 16% और ये बोल रहा है मैं आपको कमा के दूंगा न्यू प्रोजेक्ट पे 15%, है ना. एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी का, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सपोज से 13% और आपको डिसीजन लेना है फॉर न्यू प्रोजेक्ट. आपको डिसीजन लेना है फॉर न्यू प्रोजेक्ट. अब आप देखिए आरओआई, ये आपका डिवीजन ए है, ये आपका डिवीजन बी है. डिवीजन ए का आरओआई 12% है, दिस इज अ प्रेजेंट आरओआई, दिस इज योर प्रेजेंट आरओआई. आपका प्रेजेंट आरओआई कितना है 12% और न्यू इन्वेस्टमेंट पे आपका आरओआई आ रहा है 14%, ये 16% और इसके न्यू पे आ रहा है 15% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या है 13%. अब ये डिवीजन बोलेगा भाई मैं तो 12 कमा रहा हूं, बराबर, और मुझे न्यू इन्वेस्टमेंट पे कितना मिल रहा है 14, इसका मतलब मेरे से कितना इंक्रीज हो रहा है 2% और ये क्या बोलेगा मेरा डिक्रीज हो रहा है 1%. ये बोलेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है यस, और ये बोलेगा मुझे इन्वेस्ट करना है नो. तो यहां पे सब ऑप्टिमाइजेशन का आपको कंसेप्ट आ जाता है. मतलब आपको यही देखना कि यार मिनिमम 13 के ऊपर अगर ये कमा रहे तो फिर आपको प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है. अब ये 14 कमा रहा है 12 की जगह तो इसका 2% बढ़ रहा है, ये 16 की जगह 15 इसका तो 1% कम हो रहा है. ये बोलेगा नो, ये बोलेगा यस. बट अगर अपन ऐसे देखने जाएं तो अपने को तो 15% रिटर्न मिल रहा है विच इज 14 और 15 से ज्यादा. तो सब ऑप्टिमाइजेशन क्या बोलता है आपका कि भाई आपका डिवीजन का प्रॉफिट होगा लेकिन कंपनी का तो लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं सब ऑप्टिमाइजेशन करके. ओके, तो अब आप जरा देखिए समझिए एक एक चीज को ना, मैं आपको करवाता हूं करके ना. ये आपको दे रखा है पेज नंबर 7.3 पे, आप जरा देख लीजिए, दिस इज योर पेज नंबर 7.3 पे. उसके ऊपर आपको थ्योरी पूरा दे रखा है, थ्योरी आप डिटेल में समझ सकते हैं, राइट. एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये जो हम लोगों ने सीखा है वो एग्जाम्पल, एंड दिस इज योर पेज नंबर 7.3 पे आपका एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल है देर आर टू, वन इज अ डिवीजन अल्फा एंड डिवीजन बीटा. अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है 20 लैक्स 20 लैक्स, कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है 2 लैक्स 1.4 लैक्स. इसका मतलब ये आपका डिवीजन ये अल्फा आपका और ये आपका डिवीजन एंड ये डिवीजन आपका बीटा, ठीक है. अभी
अवेलेबल इन्वेस्टमेंट आपका है 20 लैक्स एंड 20 लैक्स, ठीक है। इस जो कंट्रोलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2 लैक्स एंड 1,40,000, तो आपका आरओआई क्या निकल के आएगा, आपका आरओआई निकल के आएगा 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 लैक्स इज अ इन्वेस्टमेंट इन 200 एंड दिस कम्स टू 10%, 1,40,000 एंड 20 लैक्स इन 200 आपका क्या निकल के आएगा 7%। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, ये आपका डिवीजन है अल्फा, ये आपका डिवीजन है बीटा। अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है 20 लैक्स, ये कमा के देगा डिवीजन 2 लैक्स, ये डिवीजन कमा के देगा 1,40,000, तो आपका आरओआई हो जाएगा 2 लैक डिवाइडेड बाई 20 लैक्स इन 200 10%, 140, 20 लैक्स डिवाइडेड बाई 100 इज 7%। सही है सुनो, इसका मतलब ओके okay, अब ये आपका क्या हुआ, दिस इज योर प्रपोज्ड अर्निंग हुआ, दिस इज प्रपोज्ड आरओआई, ये आपका क्या हो गया प्रपोज्ड आरओआई, बराबर। आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 लैक्स, आप कमाएंगे कितना 2 लैक्स, इट मीन 2 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 लैक्स इन 200 10%, 20 लैक्स 140, आप कितना कमाएंगे 7%। ओके अब आपका प्रेजेंट आरओआई आपका क्या आ रहा है, इट मीन्स दिस इज योर प्रेजेंट आरओआई, व्हाट इज योर प्रेजेंट आरओआई इज 13% और ये 5%। ओके और आपका ओवरऑल कॉस्ट, आपका जो कॉस्ट है कंपनी का, कॉस्ट ऑफ द कंपनी है आपका 8%। अब आप मुझे बताइए दिस इज योर 13%, अब आप मुझे बताइए, ये बोल रहा है 10% कमा रहा हूं और मैं कमाऊंगा प्रेजेंट, एट प्रेजेंट मैं कमा रहा हूं 13% और प्रपोज, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, मेरे को कितना लॉस हो रहा है 3, और ये बोल रहा है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और अगर इन दोनों को अगर अपन ऐसे, ये 13 कमाएगा और ये एट प्रेजेंट कितना कमा रहा है, अब ऐसे देखने जाए तो ये 10% कमाएगा प्रपोज पे, ये कमाएगा ओनली 7%, तो ये आपका प्योर सब ऑप्टिमाइजेशन का केस हो जाता है। इसका मतलब डिवीजन तो कमा रहा है लेकिन कंपनी को लॉस हो रहा है, क्योंकि ये तो बोलेगा भाई मैं तो 5% कमा रहा हूं और ये प्रोजेक्ट पे 7, मुझे तो 2% बढ़ के मिल रहा है, मैं तो बोलूंगा यस। अरे भाई तू यस बोलेगा लेकिन कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, इससे क्या होगा, ये प्योरली सब ऑप्टिमाइजेशन का केस हो गया, कि मतलब डिवीजन को तो फायदा है, डिवीजन मैनेजर बोलेगा भाई मुझे तो मेरा देखना है करके, मेरा इंडिविजुअल प्रॉफिट हो रहा है ना, मुझे मेरा देखना है करके, तो आपका देखना है, तो आप कमा रहे हैं 7, पहले आप कितना कमा रहे थे 5, आप कितना बढ़ा के कमाएंगे 2%, लेकिन कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है 8, अब ये बोलेगा इन्वेस्ट क्योंकि इसका तो प्लस आ रहा है, ये बोलेगा नो इन्वेस्ट क्योंकि इसका माइनस आ रहा है, और अपन ऐसे देखने जाएं कंपनी का 8% है, ये कमा रहा है 10%, तो भी हम इसको बोल रहे हैं नो और इसको बोल रहे हैं हम यस, दिस इज प्योरली सब ऑप्टिमाइजेशन का। तो देखो जरा क्या एक्सप्लेनेशन में लिखा है, द मैनेजर ऑफ डिवीजन अल्फा वुड बी अनविलिंग टू इन्वेस्ट द एडिशनल 20 लैक्स बिकॉज द रिटर्न ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज 10% एंड दिस वुड डिक्रीज द प्रेजेंट आरओआई 13, इसका मतलब 13 से उसका क्या हो जाएगा 10, तो वो क्या बोल रहा है मेरे को नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड द मैनेजर ऑफ डिवीजन बीटा, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 7.3 पे दे रखा है, ऑन द अदर हैंड द मैनेजर ऑफ डिवीजन बीटा वुड विश टू इन्वेस्ट 20 लैक्स बिकॉज रिटर्न ऑन प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज 7% इज इन एक्सेस ऑफ आरओआई 5%, ये 7% है जो कि 5% से ज्यादा है, एंड इट वुड इंक्रीज द डिवीजन आरओआई, ये डिवीजन का आरओआई कितने से बढ़ा देगा 2% से बढ़ा देगा।
2% से बढ़ा देगा. द मैनेजर ऑफ बोथ द डिविजन वुड मेक डिसीजन दैट वुड नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. द कंपनी शुड एक्सेप्ट ओनली दोज प्रोजेक्ट वेयर द आर ओ आई इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब देखो आर ओ आई आपका क्या है, आर ओ आई आपका होना चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए. आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 8 से ज्यादा होगा तो ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. बट द मैनेजर ऑफ डिवीजन अल्फा वुड रिजेक्ट ए पॉसिबल रिटर्न 10% एंड द मैनेजर ऑफ बीटा वुड एक्सेप्ट अ पॉसिबल रिटर्न ऑफ 7%. दिस इज द सिचुएशन ऑफ, मैंने आपको क्या बताया था, सब ऑप्टिमाइजेशन. इसका मतलब मैनेजर को, डिवीजन मैनेजर को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनी को लॉस हो रहा है, उस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, सब ऑप्टिमाइजेशन. बराबर. आर ओ आई कैन देयर फोर लीड टू लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस. मीन्स गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि आपका पूरा कंपनी का फायदा होना चाहिए, यहां पे कंपनी का फायदा नहीं हो रहा है. ये यस बोलेगा, इन्वेस्ट करेगा तो भी रिटर्न कितना मिलेगा 7%. ये खुश हो जाएगा क्योंकि 2% से बढ़ा के मिला, लेकिन कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 8%, फिर भी हमारा माइनस 1% रहेगा. आर यू फॉलोइंग ऑन नोट? तो भी हमारा माइनस 1% रहेगा. नोट, नो डाउट आर ओ आई इज इजी टू कैलकुलेट एज ऑल द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इज रेडीली अवेलेबल. इफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट डिविजनल लेवल बट रिसर्च शोज पुअर कोरिलेशन बिटवीन आर ओ आई एंड शेयरहोल्डर्स वेल्थ एंड कैन बी स्टोटेड बाई अकाउंटिंग पॉलिसीज. अब उसके बाद आप आ जाइए कि इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं विद आर आई. देखो कैसे आर आई कैलकुलेट होगा आपका, वो समझ लो एक बार. इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद आर आई. मैंने क्या बताया था आपको आर आई के बारे में, बताओ, रेजिडुअल इनकम. आप आर आई के बारे में क्या बताया था, रेजिडुअल इनकम. ओके, रेजिडुअल इनकम इट मीन्स आपका प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, ओके, 20 लैक्स है आपका कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन. कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन ये अल्फा और ये बीटा. ये कंपनी कितना कमा रही है 2 लैक्स. ये कंपनी कितना कमा रही है 1,40,000. ठीक है. एंड देन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना है, आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है 20 लैक्स. 20 लैक्स इंटू 8% 1,60,000 और इसका 8% 1,60,000. यहां पे आपको लॉस हो जाएगा 20,000 और यहां पे आपको प्रॉफिट होगा 40,000. इसको बोलेंगे आर आई, रेजिडुअल इनकम. मतलब मेरे को मिनिमम प्रॉफिट कितना चाहिए, मेरे को मिनिमम प्रॉफिट चाहिए 160. मेरे को मिनिमम, मुझे मिनिमम प्रॉफिट कितना चाहिए, मैं कमा रहा हूँ कितना 2 लाख, 1,40,000 मेरे को मिनिमम चाहिए 160. ये उसके बाद 40,000 दे रहा है और ये इसके बाद, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल. क्योंकि ये आर आई आपको दे रहा है रेजिडुअल इनकम, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस होने के बाद. क्या बोल रहा है, टू 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 ओवरकम सम ऑफ द डाइफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आर ओ आई, राइट. अब देखो आपको क्या दे रखा है, द कैलकुलेशन इंडिकेट्स दैट द रेजिडुअल इनकम ऑफ डिविजन अल्फा विल इंक्रीज एंड द डिविजन बीटा विल डिक्रीज. ये आपका इंक्रीज हो रहा है और ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इफ बोथ द मैनेजर एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट देयरफॉर द मैनेजर ऑफ डिविजन अल्फा वुड इन्वेस्ट वेयर इज द डिविजन ऑफ बीटा वुड नॉट. These action are in the best interest of the company as a whole. क्योंकि कंपनी को 8% चाहिए और 8 से ज्यादा कौन दे रहा है, अल्फा दे रहा है, 8 से कम कौन दे रहा है, बीटा दे रहा है. Being an absolute measure, the residual income is not capable to be used as a tool for making the comparison between the divisional performance of different sizes. RI का क्या रहता है कि अगर आपका different size रहेगा, right?
आपका दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग रहेगा तो आपको प्रॉपर नहीं आएगा, राइट। इट इज ऑब्वियस दैट द लार्ज डिवीजन इज मोर लाइकली टू अर्न ए लार्जर रेजिडुअल इनकम देन ए स्मॉल डिवीजन। सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसी टारगेटेड और बजटेड लेवल ऑफ रेजिडुअल इनकम शुड बी सेट फॉर ईच डिवीजन दैट इज कंसिस्टेंट विद एसेट साइज एंड द मार्केट। अब अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसका आप कंक्लूजन देख लीजिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में, पेज नंबर 7.4 पे आपको दे रखा है, पेज नंबर 7.4 पे, दिस इज योर पेज नंबर 7.4। पेज नंबर 7.4 टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, डिफ्रेंशिएट आरओआई एंड आरआई, आरओआई एंड आरआई के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप जरा समझ लीजिए। हिंट, इन केस ऑफ आरओआई डिवीजन मैनेजर आर कंप्यूटिंग एंड कंपेयरिंग द रिटर्न ऑन प्रपोज इन्वेस्टमेंट विद द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ रेस्पेक्टिव डिवीजन। वेयर इज इन आरआई द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड टू कंप्यूट द रेजिडुअल इनकम। आरओआई इज ए रिलेटिव मेजर वेयर आरआई इज ए एब्सोल्यूट, अपने को एब्सोल्यूट में मिलता है कि भाई कितना पैसा अपने पास बचा। इन केस ऑफ आरओआई द डिसीजन वॉज टेकन बेस्ड अपॉन अ कंपेरिजन बिटवीन टू एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज अर्निंग रेट्स, वेर इज इन द केस ऑफ आरआई कंट्रीब्यूशन अर्निंग एज कंपेयर विद द कॉस्ट, हेंस इट मे बी पॉसिबल आरओआई एंड आरआई मे गिव द कॉन्ट्रोडिक्टरी रिजल्ट। वो तो अपन को मालूम ही है, यहाँ पे अपने को कॉन्ट्रोडिक्टरी रिजल्ट दे रहे करके, सही है सर, प्रॉपर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, बहुत अच्छा, आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, यू टेक पेज नंबर फ्रेंड्स आपका 7.5, पेज नंबर 7.5। The following data pertain to two divisions W1 and W2 of a large shipping company. The following data pertain to two divisions W1 and W2 of large shipping company. W1, W2 profit, investment, cost of capital 10%. Now, see, अब अगर अपन calculation देखें, तो ये आपके पास दो divisions हैं W1 एंड W2, ओके, एंड इसको अपन बोल सकते हैं, एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एग्जाम्पल पेज नंबर 7.5, स्टेटमेंट स्विंग एनालिसिस, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस। देखो आपका प्रॉफिट कितना है, W1 का प्रॉफिट है 1,20,00,000, W1 का प्रॉफिट है 1,20,00,000 और इसका है 31,20,000 लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आपका कैपिटल लगा हुआ है 9,60,00,000 एंड 1,56,00,000 इंटू 10% इंटू 10%, इसमें आएगा 96,00,000
और इसमें आएगा 15,60,000। ओके, आर आई आपका बचेगा, इट मीन्स 120 माइनस 96 लैक्स इज 24 लैक्स। 3120 माइनस 1560 इज 1560। अब इसमें कौन सा बेस्ट हुआ? ये बराबर। और अगर आर ओ आई में अगर अपन को देखना है तो व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 1,20,00,000 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, 9,60,00,000। 31,20,000 156, इट मीन्स डिवाइडेड बाई दिस कम्स टू 12.5% एंड दिस कम्स टू 20%। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये बेस्ट, ये बेस्ट, ये बेस्ट, सही है सोनू फ्रेंड। इसमें अब आरआई में आप बोल रहे हो कौन सा बेस्ट है आपका, आरआई में आप बोल रहे हो बेस्ट है आपका डब्ल्यू वन, और आरओआई में आप बोल रहे हो बेस्ट है आपका डब्ल्यू टू, सही है सोनू फ्रेंड्स। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद आपको कौन कमा के दे रहा है ज्यादा, डब्ल्यू वन। ओके, और आरओआई अगर आप देखने जाओगे तो आपको कौन का, और ये साइज इफेक्ट का भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का साइज है अगर वो अलग अलग है तो भी आपको, सो इसमें दे रखा है इट कैन बी क्लियरली सी डब्ल्यू टू विच आउट परफॉर्म द डब्ल्यू वन इन मेजर ऑफ आरओआई, आरओआई के मेजर में। ओके, हैज द डिसएडवांटेज ऑफ साइज इफेक्ट विच इज शॉर्ट कमिंग फॉर आरआई। अब इसमें दे रखा है दिस एग्जाम्पल शोज, पेज नंबर 7.5 पे देखिए, दिस एग्जाम्पल शोज दैट आरआई इज सब्जेक्ट टू साइज इफेक्ट बट आरओआई इज नॉट, क्योंकि आरआई अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसका साइज इफेक्ट आपको आएगा। द लार्ज साइज ऑफ डब्ल्यू वन, लार्ज साइज ऑफ डब्ल्यू वन, डब्ल्यू वन में आपका 6 टाइम इन्वेस्टमेंट है। ओके, ऑलमोस्ट 6 टाइम। द लार्ज साइज ऑफ डब्ल्यू वन डिविजन विच इज मोर देन 6 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू टू डिविजन ओवरकम्स इट्स लोअर प्रॉफिटेबिलिटी एज मेजर्ड बाई आर ओ आई। दस आर आई इज नॉट ए गुड वे टू कंपेयर डिविजन दैट डिफर ग्रेटली इन साइज, दोनों के अगर साइज अलग अलग है तो फिर अपन नहीं लेते। तो यहां पर यह कॉन्ट्राडिक्ट्री हो रहा है, एक बोल रहा है आर ओ आई के हिसाब से डब्ल्यू टू बोल रहा है मैं बेस्ट हूं, आरआई के हिसाब से बोलता है कि भाई आपका जो कंपनी है उसका आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो, उसका रिटर्न निकाल लो, उसके बाद ही मैं ज्यादा आपको कमा के दे रहा हूं तो मैं बेस्ट हूं करके। तो यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी आपको हो रहा है। ओके, अब मैं आपको बेस्ट 2-3 एग्जांपल्स कराता हूं, यहां पे मैं आपका ईच एंड एवरी पॉइंट एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो यू प्लीज पे अटेंशन। अब आपको एक बहुत ही बेहतरीन मैं एक इलस्ट्रेशन कराता हूं, एंड दिस इज योर इलस्ट्रेशन 1 एंड पेज नंबर 7.6 आप निकालिए फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 7.6 बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, और इसमें ना आपके मैक्सिमम पॉइंट्स अपन धीरे 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 करके कवर अप कर लेते हैं। एलएनजी लिमिटेड, ये आईसीआई मॉड्यूल आपका चल रहा है, डीकेसी क्रैश कोर्स आईसीआई का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है वो आपका चल रहा है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हैं करके ना सॉफ्ट कॉपी, एंड तभी देख के आप स्टार्ट कर दीजिए देखना। एलएनजी लिमिटेड हैज 3 डिविजन्स, इट्स डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। ओके, इलस्ट्रेशन 1 आपका चल रहा है, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 7.6। ओके, क्या बोल रहे हैं, एलएनजी लिमिटेड हैज 3 डिविजन्स,
इट्स डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%. द ऑपरेटिंग एसेट्स एंड द इनकम फॉर ईच डिविजन आर एज फॉलोज. एल एन एन जी ऑपरेटिंग एसेट्स हैं 19,20,000, 10,50,000, 12,30,000 एंड टोटल इज 42 लैक्स. ऑपरेटिंग इनकम है 345,600, 173,250, 167,280 एंड टोटल 686,130. एल एन जी लिमिटेड 8 लैक्स फॉर एडिशनल कैश टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ डिविजन. उसके पास एडिशनल कैश है और कितना एडिशनल कैश है? रुपीज 8 लैक. द डिविजनल मैनेजर हैज आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देर आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग आरओआईज. एल को लगता है 16%, एन को लगता है 12% और जी को लगता है 15%. वन रिक्वायर्ड कैलकुलेट आरओआई एट प्रेजेंट फॉर ईच डिविजन. स्टेट विद डिविजन मैनेजर इज करेंटली प्रोवाइडिंग द हाइजेस्ट आरओआई. बेस्ड ऑन आरओआई आइडेंटिफाई द डिविजन मैनेजर हु वुड बी मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड. बेस्ड ऑन आरओआई आइडेंटिफाई द डिविजन मैनेजर हु वुड बी लीस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड. स्टेट द डिविजन दैट ऑफर्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एल एन जी लिमिटेड. डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट सेकेंड एंड रिक्वायरमेंट फोर्थ. एडवाइज हाउ रेडिजुअल इनकम परफॉर्मेंस मेजर कुड बी यूज टू मोटिवेट द मैनेजर टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 7.6. इलस्ट्रेशन 1 है आपका. दिस इज योर इलस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 7.6. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कैलकुलेट आरओआई एट प्रेजेंट फॉर ईच डिवीजन एंड स्टेट विथ विच डिवीजन एंड स्टेट विच डिवीजन इज करेंटली प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट आरओआई. ओके इट मींस आप आ जाइए फ्रेंड. दिस इज योर आंसर नंबर 1. स्टेटमेंट शोइंग आरओआई इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स. ओके आपके कौन कौन से डिविजन्स हैं? एल एन एन जी. ओके एल में आपको हो रहा है 345,600, एन में आपको इनकम 173,250 और जी में आपको है 167,280. यहाँ पे ऑपरेटिंग एसेट्स है आपका 19,20,000 इंटू 100. यहाँ पे आपका 10,50,000 इंटू 100 एंड थर्ड में है 12,30,000 इंटू 100. 345,600 डिवाइडेड बाई 19,20,000 इज 18%. 173,250 डिवाइडेड बाई 10,50,100 इज 16.5%. 167,280 डिवाइडेड बाई
167280 डिवाइडेड बाय 1,230,200 इज 13.6%। सही है सुनो फ्रेंड्स, पहला आपने से क्वेश्चन क्या पूछा है फ्रेंड्स, कैलकुलेट द ROI एट प्रेजेंट फॉर ईच डिवीजन। स्टेटमेंट्स हुई, दिस इज योर ROI, कौन सा ROI है, एट प्रेजेंट वाला, राइट, दिस इज योर प्रेजेंट ROI, एट प्रेजेंट ROI, ROI में आपको L, N और G तीन आपके डिविजन्स है। आपका ऑपरेटिंग इनकम आप ले लीजिए डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एसेट्स इन 200 और दिस कम्स टू 18, 16.5 एंड 13.6%। सही है सुना, ओके, ऑलराइट। अब आप आ जाइए सेकंड, बेस्ड ऑन ROI आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर हु वुड बी मोस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड। इट मीन्स दिस इज आप लोग, इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ ROI, बराबर। एक तो आपका प्रेजेंट ROI क्या था, आपका प्रेजेंट ROI है L, N, G, 18, 16.5, 18%, 16.5% and 13.6%, ठीक है। What is your proposed ROI? Proposed ROI 60%, 12% and 15%. What is the net result? This is 2% decreasing, this is 4.5% decreasing and this is 1.4% increasing, ये plus, ये minus और ये minus, okay। तो second में क्या पूछ रहा है, based on ROI identify the division manager who would be the most eager to accept the additional investment, कौन accept करेगा जी, ओके, क्यों करेगा, क्योंकि इसका एट प्रेजेंट क्या रिटर्न आ रहा था, 18, 16.5, 13.6, फ्यूचर में 16, तो इसको माइनस 2%, 12 इट मीन्स माइनस 4.5, 15 इट मीन्स प्लस 1.4। तो क्या बोल रहा है सेकंड को आप जरा देख लीजिए, पेज नंबर 7.6 मॉड्यूल का 7.6, आप मेरा जो डीकेसी फॉर्मेट में मॉड्यूल आपको दिया है 7.6 उस पर आप जरा देख लीजिए। The manager of division G, the manager of division G would be most eager to accept the additional 8 lakh rupees because of ROI of the proposed investment is more than the present ROI 13.6 and acceptance of the proposal would increase the division's ROI. कौन सा अपने को लेना चाहिए? Second में बोलूँगा, the manager of division G, G का कितने से पड़ रहा है आपका? 1.4% से, इट मीन्स 15 माइनस 13.6 आपका कितने से बढ़ेगा, 1.4 से। 3, बेस्ड ऑन ROI आइडेंटिफाई द मैनेजर हु वुड बी लीस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल, सबसे लीस्ट आपका कौन सा रहेगा, सबसे लीस्ट आपका रहेगा N, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। The manager of division L and N, L और N दोनों को loss हो रहा है। The third answer आप जरा देखिए, okay? तो second का answer आपका रहा, second आपका division G और third आपका answer रहा
लीस्ट अगर आपका कोई रहेगा तो डिवीजन एन। देखो थर्ड में, द मैनेजर ऑफ डिवीजन एल एंड एन बोथ वुड बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन एडिशनल फंड ऑफ रुपीज 8 लाख बिकॉज द रिटर्न ऑन द प्रपोज प्रोजेक्ट इज 16% and 12% एन अगेंस्ट देयर एग्जिस्टिंग आर वाई ऑफ 18% and 16.5%। हावर द मैनेजर ऑफ डिवीजन एन वुड बी least likely to accept the additional investment because the proposed ROI of the project is 4.5% less than the ROI। पहले आपको रिटर्न कितना मिला था 16.5, अब आपको मिलेगा 12, कितने से कम हो गया, आपको कम हो गया -4.5। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स फिफ्थ, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट 2 and 4। रिक्वायरमेंट 2 and 4, 4 क्या बोल रहा है, स्टेट द डिवीजन दैट ऑफर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन दिस, इट मींस 4th। अब आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है, आपको बेस्ट प्रपोज्ड आरओआई, बेस्ट प्रपोज आ रहा है आरओआई आपको कौन दे रहा है, इज ए एल। बेस्ट प्रपोज आ रहा है आपको कौन दे रहा है, डिवीजन एल ऑफर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ 16%। इसको लॉस हो रहा था 4.5% का, इसको गेन हो रहा था 1.4%, बराबर, ओके। अब आप आ जाइए क्या बोल रहा है फिफ्थ, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट 2 and 4। रिक्वायरमेंट 2 आपका क्या बोल रहा है कि आप एक्सेप्ट करो जी को, और ये आपको दे रहा है एल। ये बोल रहा है जी, जी बोल रहा है कि भाई अब यहां पे आपका सब ऑप्टिमाइजेशन का आपका कंसेप्ट आ जाएगा करके ना। ये बोल रहा है मेरा 1.4 है, तो कंपनी क्या बोलेगी कि एक्सेप्ट बाय जी। और ये बोल रहा है कि मेरा बेस्ट रिटर्न है 16% आउट ऑफ दिस, ये 16 बोल रहा है, ये 12 बोल रहा है, ये 15, तो हमारा बेस्ट रिटर्न क्या आ रहा है 16। तो क्या बोल रहा है, लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिविजन्स इन ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल द रीजन द डिविजनल मैनेजर आर फोकस टू चूज बिटवीन द बेस्ट। ये बोलेगा भाई मेरा तो बेस्ट ये आ रहा है, ये बोलेगा मेरा बेस्ट ये आ रहा है करके, देयर डिविजन बिकॉज देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज लिंक टू द डिविजन परफॉर्मेंस एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज ए होल, ऑफ द कंपनी एज ए होल। इन रिक्वायरमेंट सेकेंड, डिसीजन ऑफ मैनेजर मैनेजर ऑफ डिविजन जी इज द बेस्ट इंटरेस्ट इन द डिविजन, क्योंकि ये इसका बेस्ट आ रहा है, ओके, एट द एक्सपेंस ऑफ देयर कंपनी रिजल्टिंग सब ऑप्टिमाइजेशन, वेयर इज इन रिक्वायरमेंट 4th, डिसीजन इज टेकन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एलएनजी लिमिटेड एज ए होल। अब ये बोल रहा है कि मुझे 16 मिल रहा है, इसको मिल रहा है 15, लेकिन इसके डिवीजन का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सब ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि डिवीजन अपना फायदा करेगा ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपनी, ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपनी। अब ऐसे अपने को रिटर्न मिल रहा है 16, लेकिन हमारा प्रेफरेंस क्या आ रहा है एट 15 करके। अब लास्ट आपसे पूछ रहा है, एडवाइस हाउ द रेजिडुअल इनकम परफॉर्मेंस मेजर्ड कुड बी यूज्ड टू मोटिवेट द मैनेजर। रेजिडुअल इनकम में मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग रेजिडुअल इनकम आर एंड आई, एल एन जी, एल एन जी प्रपोज्ड प्रॉफिट। अब आपको प्रपोज्ड प्रॉफिट कितना मिलेगा 16% और आपका इन्वेस्टमेंट है 8 लाख। This is 8 lakhs into 16%, 8 lakhs into 12% and 8 lakhs into 1,20,000 96
1,28,000 और द एलएनजी लिमिटेड, हाँ ओके, एलएनजी लिमिटेड हैज 3 डिविजन्स, इट्स डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इट मींस आपको मिनिमम रिटर्न कितना चाहिए, मिनिमम रिटर्न 8 लैक्स इंटू 14%, रेजिडुअल इनकम मतलब जो मिनिमम आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या मिनिमम आपका आरओआई है, उसके बाद जो आपको बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल इनकम, इट मींस 8 लैक्स इंटू 14% 1,12,000, 8 लैक्स इंटू 14% 1,12,000, 8 लैक्स इंटू 14% 128 minus 112, 16,096, 112 loss of 16,000 and 120 minus 112 is 8,000. तो अपना बेस्ट क्या हो जाएगा आरआई के हिसाब से, क्या बोल रहा है, टू अवॉइड सब ऑप्टिमाइजेशन. अब आप देख लीजिए आईसीआई ने क्या उसका बोला है, पेज नंबर 7.7 डीकेसी फॉर्मेट में जो आपके पास मॉड्यूल है उसको रेफर करिए. टू अवॉइड सब ऑप्टिमाइजेशन द डिविजनल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड बाई रेजिडुअल इनकम आरआई. सिंस आरआई डिविजनल मैनेजर डोंट रिजेक्ट द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विद लोअर रिटर्न देन एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डिविजन. Hence, in the interest of organization as a whole, division is ready to accept the investment project with the return equal to the greater than the predetermined rate of return 14%. RI being absolute measure have shortcoming to that performance division with the different size. ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर साइज अलग अलग है, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो अदरवाइज आपका यहाँ पे जो बेस्ट आ रहा है भाई कंपनी का मिनिमम 14% उनको चाहिए, 14 के बाद बेस्ट रिटर्न कौन सा डिवीजन दे रहा है आपको, एल दे रहा है. सही है सर, इज दिस परफेक्टली क्लियर ना, आप जरा देख लीजिए. और आपको एक इलस्ट्रेशन कराता हूं बहुत अच्छा, जिसमें आपका पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट. आप देखिए जरा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं, उसको आप जरा एक बार समझ लीजिए. हाँ फ्रेंड्स, दिस योर टेस्ट ऑफ नॉलेज में अब आप आ जाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन को दे रखे हैं, उनको आप जरा एक बार समझ लीजिए. हाँ फ्रेंड्स, टेस्ट योर नॉलेज पे फ्रेंड्स आप आ जाइए, टेस्ट योर नॉलेज, ओके, टेस्ट योर नॉलेज पे आप आ जाइए. योर पेज नंबर 7.44, आप पेज नंबर निकालिए 7.44 डीकेसी फॉर्मेट का, डीकेसी फॉर्मेट में जो आईसीआई मॉड्यूल है उसका पेज निकालिए, पेज 7.44 आप निकालिए, पेज नंबर 7.44 सही है सोना, आप निकालिए पेज नंबर 7.44 आप निकालिए पेज नंबर 7.44 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है, एंड दिस इज अंडर द हेड ऑफ योर टेस्ट योर नॉलेज, ओके. उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप निकाल लीजिए, और डीकेसी फॉर्मेट में 7.44 पेज पे आपको दे रखा है. ओके फ्रेंड्स, वन बाय वन आप आ जाइए, पहले पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. वाई लिमिटेड हैज 3 ऑटोनोमस डिवीजन, द डिवीजन आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आरओआई विद ईयर एंड गिवन. डिविजनल मैनेजर हु हैव हाई
जस्ट ROI. ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ डिविजन सेकेंड फॉर द लास्ट ईयर इज गिवन बिलो. सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, नेट ऑपरेटिंग इनकम, डिविजनल ऑपरेटिंग एसेट्स. द कंपनीज ओवरऑल ROI लास्ट ईयर वॉज 18% कंसिडरिंग ऑल द डिविजन्स. डिविजन सेकेंड हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एड ए न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट वुड रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख. अदर डिटेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लाइन आर एज फॉलोज. सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस, लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट. नंबर वन, कैलकुलेट लास्ट ईयर ROI ऑफ डिविजन सेकेंड. डिस्कस वेदर द मैनेजर ऑफ डिविजन सेकेंड वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द न्यू प्रोडक्ट लाइन इफ ही टेक्स हिज डिसीजन बेस्ड सोलेली ऑन ROI. Advise how residual income approach can be used as an alternative financial measure for evaluation of managerial performance in the best interest of the company. So, pehla wala part to ekdam easy hai. Calculate the last year. It means answer number one. Statement showing ROI. Statement showing ROI of division 2. Statement showing ROI of division 2. Okay, and division 2, and this is for last year. Okay, ROI. Okay, it means net operating income. Net operating income divided by divisional operating assets. Into 100. मतलब डिवीजन ने कितना तो पैसा लगा रखा है, डिवीजन ने कितना पैसा लगा रखा है और उसके ऊपर डिवीजन ने क्या कमाया है. डिवीजन ने कितना पैसा तो लगा रखा है और उसके ऊपर डिवीजन ने क्या कमाया है, बराबर, दैट इज योर ROI. अब कितना कमाया है डिवीजन ने, डिवीजन ने कमाया है आपका 16,80,000 रुपये. और उसके सामने डिवीजन ने लगा रखा है 52,50,000 × 100. It means 1680 divided by 5250 × 100, and this comes to 32%. Calculation of last year ROI of division second. Controllable profit, controllable net assets. Controllable profit, it means division ne kitna paisa kamaya. Division ne paisa kamaya last year 16,80,000. लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट ये था और 32%. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, बराबर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये चीज सोचना चाहिए कि आप किसी भी डिवीजन मैनेजर को किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं. नंबर वन, उस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं जो डिवीजन मैनेजर के हाथ में है, मीन्स कंट्रोलेबल चीज के लिए ही आप उसको ये परफॉर्मेंस एनालिसिस करने में आपको यह भी देखना चाहिए कि आपका मिक्स होना चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. और तीसरा, जो डिवीजन मैनेजर है वो गोल कॉन्ग्रुएंस मींस डिवीजन मींस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, नॉट ओनली फॉर. इसके लिए तो वो सब ऑप्टिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है करके. डिवीजन मैनेजर क्या इंडिविजुअल रहता है, वो बोलता है मैं तो भाई मेरा फायदा देखूंगा,
क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस, मेरी सैलरी, मेरा इंक्रीमेंट, मेरा बोनस मेरे डिवीजन के परफॉर्मेंस से है। कंपनी जाए भाड़ में, कंपनी डूब जाए, मुझसे उससे लेना देना नहीं है, मुझे मेरा देखना है। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन परफॉर्मेंस एनालिसिस बोलता है कि नहीं, कोई भी डिवीजन मैनेजर है उसको जो परफॉर्मेंस अगर उसका आपको एनालाइज करना है तो एक तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ही इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कंट्रोलेबल फैक्टर, ही इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर, और तीसरा वो सोचे तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, कंपनी के बारे में, नॉट खाली अपने बारे में। ओके तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है, यहाँ से अपने से पूछा गया है 32% एंड 32% आपका क्या हो गया ROI। नंबर टू आपको क्या बोल रहा है, डिस्कस वेदर द मैनेजर ऑफ डिवीजन सेकेंड, डिस्कस वेदर द मैनेजर ऑफ डिवीजन सेकेंड वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द न्यू प्रोडक्ट लाइन इफ ही टेक्स हिज डिसीजन बेस्ड सोलली ऑन डिवीजन ROI। अब आप देखिए क्या है उसके पास प्रपोज, इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर टू, आंसर नंबर टू statement showing, statement showing proposed ROI, statement showing proposed ROI, statement showing proposed ROI, it means proposed ROI equal to proposed net operating income, proposed net operating income, proposed net operating income divided by divisional operating assets, divisional operating and assets। ओके आपका सेल्स कितने का था, आपका सेल्स था 90 lakhs डिवाइड वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट 65% ऑफ 90 lakhs, ये देख के याद आ रहा है आपको डिसीजन मेकिंग टॉपिक, 35% ऑफ 90 lakhs, इट मीन्स 90 × 0.35 31 lakh 50, एंड 90 का 65% is 5850, and then fixed cost and profit, fixed cost 25 20, 31.5 minus 25.2 is 6,30,000 6,30,000 So 6,30,000 divided by what is the investment? Your investment is 30 lakhs into 100. तो आपका क्या आ जाएगा? ROI कौन सा? Proposed 6.3 divided by 30 into 100 is 21%. Say yes or no. Okay. Page number 7.44 पे आप जरा देखिए, page number 7.44 पे आप देखिए, the manager of division second, the manager of division second will reject investment proposal
द मैनेजर ऑफ डिवीजन सेकंड विल रिजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन्वेस्टमेंट एडिशनल 30 लैक्स इन न्यू प्रोडक्ट लाइन बिकॉज दिस वुड डिक्रीज द डिविजनल सेकेंड आर ओ आई 32 to 28। 32 पहले जो आ रहा था उसको डिवीजन को, उसका क्या हो जाएगा 28%। अब ये 28% कैसे निकला, इट मींस आरओआई आपको पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, आपको प्रॉफिट हो रहा था 16,80,000 ओके, और अब आपको प्रॉफिट हो रहा है 6,30,000। पहले आपका इन्वेस्टमेंट कितना था 52,50,000 और अब आपका इन्वेस्टमेंट है 30 लैक्स × 100। 16,80 + 6,30 = 23,10,000 × 50 23,10 × 8,250 × 100 = 28%, जबकि विच इज लेस देन आपका लास्ट टाइम जो ये था, आपने जो निकाला था रिटर्न निकाला था, प्रेजेंट रिटर्न आपका 32%। अब आपका आ रहा है ओवरऑल 28%, पहले आ रहा था आपका 32। द मैनेजर ऑफ डिवीजन सेकंड विल रिजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन्वेस्टमेंट एडिशनल 30 लैक्स न्यू प्रोडक्ट लाइन बिकॉज दिस वुड डिक्रीज द डिवीजन्स सेकंड आरओआई 32 to 28। पहले आपको 32 और अब आपको आ रहा है ओनली 28। सही आंसर नंबर नो। अब इंपॉर्टेंट नोट आप जरा देखिए, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर हैव सर्टेन इशू, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर हैव सर्टेन इशू, वन एवंग देम इज ए लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस बिटवीन डिविजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, द डिविजनल मैनेजर आर फोर्स्ड टू चूज बिटवीन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर डिविजन बिकॉज देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज लिंक विद द डिविजनल परफॉर्मेंस। हम डिविजनल मैनेजर को बोलते हैं भाई यू आर रेस्पॉन्सिबल, जो आपका खुद का डिवीजन का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ही आपका एनालिसिस होगा, उसके ऊपर ही आपको बोनस मिलेगा, उसके ऊपर आपको इंक्रीमेंट। तो वो क्या चाहेगा कि भाई मैं बाहर में जाए कंपनी, आई एम नॉट कंसर्न विद द कंपनी, मुझे क्या मेरे डिवीजन का देखना है। ये सबसे बड़ा इसमें नेगेटिव पॉइंट आपका आ जा रहा है। एंड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज ए होल, इट इज ऑब्वियस दैट ए मैनेजर हु इज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन आरओआई विल रिजेक्ट एनी प्रोजेक्ट whose rate of return is below the divisional current ROI, even if the rate of project is above the company's minimum required rate of return. In present case 2, investment proposal with ROI 21%, which is above the organization ROI 18%, this will give birth to a situation of sub-optimization. अब आप देखो कि भाई हमारा cost company का कितना आ रहा है 18%, और हम कमा कितने रहे हैं ये प्रोजेक्ट से 21, लेकिन फिर भी सब ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं रिजेक्ट, क्योंकि वो मैनेजर क्या बोलेगा कि भाई मैं तो 32% कमा रहा हूं, अब मुझे मिलेगा 28। तो दिस इज अ रीजन ऑफ सब ऑप्टिमाइजेशन, ये आज का बहुत नेगेटिव ही है। तो थर्ड में अपने को क्या बोल रहा है, एडवाइस हाउ रेजिडुअल इनकम अप्रोच कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फाइनेंशियल मेजर फॉर इवेल्युएशन ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दी कंपनी। तो आरआईआई में तो मैंने आपको बताया था आपके प्रॉफिट में से जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव है तो यस, नेगेटिव है तो नो। तो थर्ड में आप आ जाइए, इट मींस थर्ड आंसर स्टेटमेंट showing ROI, statement showing ROI, controllable profit जो proposed अपन ने निकाला था
कंट्रोलेबल प्रॉफिट प्रपोज्ड अपन ने निकाला था 6,30,000। यस और नो फ्रेंड्स, 6,30,000 माइनस आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30 लैक्स, व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30 लैक्स इनटू द कंपनी का ओवरऑल है 18%। गिवन है क्वेश्चन में, इट मीन्स 30 लैक का 18% इज 5,40,000, राइट। आपका रेजिडुअल इनकम और आर आई आपका क्या है 90,000। देखो जरा, सही आंसर हो, कंट्रोलेबल प्रॉफिट अपने को कितना आ रहा है 6,30,000, और 30 लैक्स का हमको, उसके बाद भी हमको 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आर आई इज कैपेबल टू ओवरकम, देखिए जरा अपना 7.45 पेज डीकेसी मॉड्यूल में 7.45, आर आई इज कैपेबल टू ओवरकम द इनहेरेंट शॉर्टकमिंग ऑफ आर ओ आई इफ डिविजनल मैनेजर आर इवेल्युएटेड यूजिंग रेजिडुअल इनकम देन एवरी सच इन्वेस्टमेंट प्रोपोजल विल बी acceptable whose rate of return is above the minimum required rate of return because it will increase their residual income. Hence, if the decision is based upon RI rather than ROI, division second will accept the proposal to invest additional 30 lakhs because it will face them 21% more than 18% of the required rate of return in the best interest of company as a whole because capable to add 90,000 each year for next 5 years. अब आपको चाहिए, आपको मिल रहा है 18%, बराबर आपको मिनिमम चाहिए 18, और ये आपको दे रहा है, अपन ने निकाला अपन ने, तो अपने को दे रहा है रिटर्न 21%, तो 21% अपने को मिल रहा है जबकि चाहिए कितना 18%, तो डिफरेंशियल कितना हो गया 3% ऑन 30 लाख, इट मीन्स हर साल आपको 90,000 रुपीज मिलेगा एंड 1 to 5 years का आपका लाइफ है, तो आपको इतना पैसा ज्यादा मिल जाएगा। सही है सोनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो ना। अब आपको और एक अच्छा, अब क्यों ये आरओआई आरआई के बेस पे, कभी कभी हम डिविजनल मैनेजर का बोनस और ये सब कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी आप जरा देख लीजिए, राइट। जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर 7.46, पहले गिवन करके अगर अपन लिख लेंगे ना फ्रेंड्स, तो काफी इजी हो जाएगा। गिवन करके अगर अपन लिख लेते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। देखो जरा, BYD Alloy Limited first opened its door in 1991 for the business and now it is major supplier of metal supporting over a dozen different industries and employ expert to support each industry. These include wood and panel products manufacturing, health products, site furnishing, commercial and residential construction, etc. It has grown through devotion to its customer, dedication to customer service and commitment to quality product. The company has two divisions, division Y and division D. Company ke paas do division hai, division Y and division D.
ईच डिवीजन वर्क एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर सेपरेटली, और ये सेपरेट अपने इन्वेस्टमेंट सेंटर हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ईच डिवीजन वर्क्स एज इन्वेस्टमेंट, सैलरी ऑफ ईच डिविजनल मैनेजर, इट मींस सैलरी ऑफ ईच डिविजनल मैनेजर रुपीज 7,20,000 पर एनम। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन चल रहा है आपका आरआई आरओआई का, ओके पूरा बराबर से आप ध्यान दीजिए आपका काम हो जाएगा। 7,20,000 पर एनम विद द एडिशन ऑफ द एनुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस बेस्ड ऑन डिविजनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, ए मिनिमम आरओआई 12% इज एक्सपेक्टेड टू अचीव बाय ईच डिविजनल मैनेजर। उनको टारगेट दिया गया है, टारगेट आरओआई दे रखा है एट द रेट ऑफ मिनिमम 12%। दिस इज उनको मिनिमम कमा के देना है 12% पर, इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड बाय ईच डिविजनल मैनेजर। इफ ए मैनेजर ओनली अचीव द टारगेट ही विल नॉट रिवार्डेड एज ए बोनस। अगर उसको 12% बोला है और उसने 12% ही कमाया, हमने उसको 12% बोला है और उसने अगर 12% ही कमाया तो उसको कुछ भी बोनस मिलेगा नहीं। इफ ए मैनेजर ओनली अचीव 12% टारगेट ही विल नॉट रिवार्डेड एज ए बोनस। हाउएवर फॉर एवरी होल 1 पॉइंट अबव 12% विच द डिविजन अचीव फॉर द ईयर, ए बोनस इक्वल टू 3% ऑफ द एनुअल सैलरी विल बी पेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 20% एनुअल सैलरी। द फिगर बिलोंग्स टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर गिवन बिलो। देखो अगर 12 से एक्स्ट्रा उसने कमाया, अगर उसने 12 से एक्स्ट्रा अबव 12% हावर फॉर एवरी होल मींस होल 1% फ्रैक्शन के लिए नहीं, तो उसको कितना मिलेगा 3% होल 1% अबव 12% विच डिवीजन अचीव फॉर द ईयर, ए बोनस इक्वल टू 3% ऑफ द एनुअल सैलरी। इट मींस 7,20,000 का 3% आपका हो जाएगा 7,20,000 × 3% इज 21,600। अगर आपने 1% रिटर्न बढ़ा के दिया तो आपको कितना मिलेगा 21,600, लेकिन सब्जेक्ट टू 20% ज्यादा से ज्यादा 20% ऑफ 7,20,000 का 20% इज 144। एवरी 1% नॉट पार्ट देर ऑफ, फुल 1% के लिए आपको बोनस कितना मिलेगा, फुल 1% के लिए आपको कितना बोनस मिलेगा 3% ऑफ द एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी आपका कितना है 7,20,000 का 3% 21,600, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 144। यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ फिर बताइए आप मुझे। वीवाईडी एलॉय लिमिटेड, उसके दो डिवीजन है वाई एंड डिवीजन डी, इन्वेस्टमेंट सेंटर है, सैलरी ऑफ ईच डिवीजन मैनेजर है 7,20,000, उसको टारगेट दिया गया है आरओआई का मिनिमम 12%, तो 12% कमाया राधे राधे कुछ नहीं, राधे राधे बोलो जी चाहे जा डोलो, लेकिन अगर 12% से अबव है फ्रैक्शन में नहीं फुल 1% रहेगा तो 3% 20, इसका मतलब मैक्सिमम 20% ऑफ 720 इज 1,44,000। ओके अब आप आ जाइए, आपको रेवेन्यू दे रखा है, आपको प्रॉफिट दे रखा है, एचओ एक्सपेंसेस नॉट इन द हैंड ऑफ डिविजनल मैनेजर, उसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, डिविजनल मैनेजर इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इज कंट्रोलेबल फैक्टर। एचओ क्या एक्सपेंसेस इनकर करता है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। एचओ एक्सपेंस नेट प्रॉफिट नेट करंट एसेट्स कैश इन्वेंट्री ट्रेड पेबल मैनेजर रेस्पॉन्सिबल। ओके ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21
ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फाइव मैनेजर ऑफ डिवीजन डी इन्वेस्टेड 13.6 मिलियन इन न्यू इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एन एडवांस कटिंग मशीन विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई 10% पर एनम. हाई मैनेजर ऑफ डिवीजन वाई हैज मेड नो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर. इवन इट्स कंप्यूटर सिस्टम नीड्स अपडेशन. डिवीजन वाई मैनेजर हैज ऑलरेडी डिलेड पेमेंट ऑफ इट्स सप्लायर ड्यू टू द लिमिट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस. ऑल्दो कैश बैलेंस एट द डिवीजन वाई इज स्टिल बेटर देन द डिवीजन डी. प्रॉब्लम नंबर वन. For each division, compute ROI for the year ending 31st March 2021. Justify the figure used in your calculation. सबसे पहले आप निकालिए ROI. It means, friends, सबसे पहले आप निकालिए. This is your statement. स्टेटमेंट शोइंग आरओआई विच इज इक्वल टू कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रोलेबल एसेट्स इनटू 100. कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रोलेबल एसेट्स इनटू 100. डिवीजन डिवीजन वाई डिवीजन डी. ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ले लेते हैं कंट्रोलेबल प्रॉफिट. Controllable profit, all figure is in 1000. Controllable profit is 5290 and 3940. 5290, 3940. Okay, non current assets 19, 520, 29, 960. Cash, inventory, trade receivable, 4960 and 6520. Then trade payable minus हो जाएगा. Trade payable ये आपका आ जाएगा net assets. Trade payable है आपका 5920 and 2800. It means 19520, 4960, 5920, 18560. ROI 5250 5290
3940 / 33680 × 100 and this comes to 11.70%. यहां तक आपको क्लियर हुआ है? ओके, आपके पास स्टेटमेंट शोइंग, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग ROI, कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रोलेबल एसेट्स, डिवीजन Y एंड डिवीजन D. कंट्रोलेबल प्रॉफिट आपको दे ही रखा है. ओके, जो HO एक्सपेंसेस है दैट इज नॉट इन द कंट्रोल, जो भी HO एक्सपेंसेस है नॉट इन द कंट्रोल ऑफ डिविजनल मैनेजर, उनको अपने को कंसिडर नहीं करना है. नेट नॉन करेंट एसेट्स अपन को दे रखा है 19520, वो ले लिया. कैश इन्वेंट्री डेटर्स आपके आगे ट्रेड, उसको माइनस कर दिया, ये आपका नेट एसेट्स आ गई. इतना कमा रहे हैं इतना नेट एसेट्स ये हो गई, इतना कमा रहे हैं इतना नेट एसेट्स ये हो गया. सही है सर? क्या बोल रहा है? फॉर ईच डिवीजन कंप्यूट द ROI फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021. जस्टिफाई द फिगर यूज्ड इन योर कैलकुलेशन. रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एडवोकेट्स पेज नंबर 7.46 आप रेफर करिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशन के साथ ICAI. रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एडवोकेट्स दैट मैनेजर्स परफॉर्मेंस शैल बी जज्ड बेस्ड अपॉन हाउ वेल ही और सी मैनेजेस द आइटम्स अपर हिज और हर कंट्रोल. हेंस इन कंप्यूटेशन ऑफ ROI ऑफ बोथ द डिविजन्स कंट्रोलेबल प्रॉफिट हैज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बिकॉज हेड ऑफिस कॉस्ट आर नॉट कंट्रोलेबल बाई द डिविजनल मैनेजर. वो तो मैंने आपको बोला ही है. फिगर ऑफ नॉन करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स एज ए पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटीज हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन एज दे आर सच आइटम्स ओवर विच डिविजनल मैनेजर हैव कंप्लीट कंट्रोल. ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स. इसको मिला, इसको तो बोनस मिलेगा ही नहीं बिकॉज दिस इज बिलो 12%. हमको चाहिए 11, हमको चाहिए 12%, दिस इज लेस देन 12%, तो इसको बोनस क्या हो जाएगा? नो. बोनस यहां पे क्या हो जाएगा? नो. लेकिन इसको मिलेगा, अब इसको पार्ट के लिए नहीं मिलेगा, ओनली 28 माइनस 12 इसको मिलेगा 16 पॉइंट्स के लिए बोनस. ओके, अब आप आ जाइए. इट मींस दिस इज योर आंसर नंबर टू एंड दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग आंसर नंबर टू स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ बोनस. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ बोनस, पहला डिवीजन Y. अब डिवीजन Y को कितना मिलेगा? इट मींस 16 पॉइंट्स और एक पॉइंट का हम लोगों ने कितना निकाला था, एक पॉइंट का बोनस निकाला था 21600. तो 21600 is 3,45,000. 21600 × 16, 3,45,600
3,45,600, बट मैक्सिमम उसको मिलेगा इज 144. उसने लिमिट दे रखा है ना क्वेश्चन में, मैक्सिमम 144. सो बोनस इक्वल टू 144 फॉर डिवीजन वाई एंड डिवीजन डी आर ओ आई इज 11.7%. सो नो बोनस लेस देन 12. डिवीजन डी आर ओ आई इज 11.7 विच इज लेस देन 12%. सो नो बोनस आपका क्या हो जाएगा बोलो, नो बोनस. ओके, एक बार अपन देख लेते हैं. बोनस टू बी पेड ईच होल परसेंटेज पॉइंट 7,20,000 इंटू 3%, बट देर इज ए सीलिंग लिमिट एज वेल. 20% ऑफ द सैलरी, हैंस द मैक्सिमम बोनस विल बी 144. वो तो अपन ने कैलकुलेट किया ही था. ओके, एवरी वन पॉइंट के लिए कितना मिलेगा, 21,600, बट मैक्सिमम 144. डिविजनल आर ओ आई इज 28.5%. अपन का कितने निकल के आया, 28.5%, विच रिजल्ट 16 होल परसेंटेज पॉइंट. इसका मतलब ये इसको नहीं मिलेगा, ओनली 28 - 12 इज 16. 16 को बोनस मिलेगा. मिनिमम आर ओ आई 12%. हेंस द बोनस अकॉर्डिंगली 3,45,600 कैलकुलेट होके आता है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,44,000. देयरफॉर हाई विल बी पेड एज ए बोनस ऑफ 144. डिवीजन डी, डिविजनल आर ओ आई इज 11.7%. सिंस सेम इज लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%, सो देर इज नो बोनस. ओके, अब आ जाइए आप फ्रेंड्स. बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने अब बोला है. अब जरा कैलकुलेशन में आप देखिए आगे क्या बोला. डिस्कस वेदर आर ओ आई, थर्ड क्वेश्चन आप जरा देखिए फ्रेंड्स. डिस्कस वेदर आर ओ आई प्रोवाइड जस्टिफाइबल बेसिस फॉर कंप्यूटिंग द बोनसेज ऑफ मैनेजर्स एंड द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूज ऑफ PYD फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021. सही है, क्या बोल रहा है. Five will not received any bonus since he has not earned any point above minimum percentage. आप जरा देखिए पेज नंबर 8.47 आप निकालिए फ्रेंड्स. वहां पे पूरा डिस्कशन आप जरा देखें. Five will not receive any bonus since he has not earned any point above minimum percentage. This is due to the larger investment based on which ROI figure have been computed. Total investment division D are almost 1.81 to that of division Y. The major reason behind this is that division D invested 13.6 million in the new equipment during the year. Ignoring this investment, division D is just 1.1 times to that division Y, and net investment would have been only 20,080, and ROI of division D would have been 19.62 in a payment of. देखो ये क्या बोल रहा है कि इसने इस बार क्या इन्वेस्टमेंट किया. एक उसने इन्वेस्टमेंट किया, इसका मतलब 33,680. ओके, और इसने इस बार जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 13.6, इट मींस 13,600. अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो इसका इन्वेस्टमेंट होता था 33,680. अब आप यहां आ जाइए, 33,680, ये डी का क्या मिस कैलकुलेशन हुआ है. ये डी एसेट्स, नेट एसेट्स ऑफ डी इज
नेट एसेट्स ऑफ डी इज 33,680. दिस इंक्लूड्स इस बार का न्यू इन्वेस्टमेंट. कितना न्यू इन्वेस्टमेंट है अपना? 13,006. अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होता था? 13,600. इट मीन्स 20,080. और उसका रिटर्न कितना था? उसका रिटर्न था 3,940. सो प्रॉफिट 3,940. सो 3,940 डिवाइडेड बाय 20,080 इनटू 100. 3,940 डिवाइडेड बाय 20,080 इनटू 100. तो इसको होता था प्रॉफिट 19.62 को आप छोड़ दो तो 19 माइनस 12, बोनस कितना मिलता था? 7. 7 इंटू 21,600. बोनस कितना होता था? 21,600. 7 इंटू 21,600 151,200. लेकिन सब्जेक्ट टू ओनली 1,44,000. आप समझ रहे हैं? देखो, अगर ये इन्वेस्ट नहीं करता, अगर डी डिवीजन इन्वेस्ट नहीं करता तो उसका एसेट्स कितना रहता था? ओनली 20,080 पे प्रॉफिट कितना कमाता था? 3,940. सो 3,940 डिवाइडेड बाय 20,080 इनटू 100 इज 19.62. 0.62 का कुछ भी बोनस नहीं मिलेगा. तो 19 माइनस 12 आपका 7, और एक पॉइंट पे आपको कितना मिल रहा है? 21,600. टोटल हो गया 151,200 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना होगा? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम होगा 144. ओके, तो इसने क्या बोला है? 5 विल नॉट रिसीव एनी बोनस सिंस ही हैज नॉट अर्न एनी पॉइंट अबव मिनिमम परसेंटेज. दिस इज ड्यू टू द लार्जर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन विच ROI फिगर हैज बीन कंप्यूटेड. टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन डी आर ऑलमोस्ट 1.81 टाइम्स टू दैट ऑफ डिवीजन वाई. द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज दैट Division D invested 13,600 in the new equipment during the year. Ignoring this investment, Division D just 1.1 times to that Division Y, and net investment would have been only 20,080, and ROI for this D would have been 19.62, resulting in a payment of 144. 7 into 21,600, 151,200. 151,200 per subject to 144 rather than nothing. So phi is being penalized for making investment decision which are the best interest of division and company, because new investment enhance productivity which will support customer loyalty, dedication to customer service and quality. The CSFS of BYD, it is very surprising that he decided to invest where he knew that he would receive lesser bonus subsequently. On the other hand, Hai has taken benefit from the fact that he has not invested anything even though it was needed for computer. Computer mein zaruri tha invest karna, usne wahan pe bhi nahi kiya, lekin ye bichare ne yahan pe investment kar diya. जबकि इसको मालूम है अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा रिटर्न कम आएगा, रिटर्न कम आएगा तो मुझे बोनस कम मिलेगा, लेकिन फिर भी इसने इन्वेस्ट किया. लेकिन वो हाई, वो होशियार रहा आपका इन्वेस्टमेंट, वाई वाला होशियार रहा, उसने इन्वेस्ट ही नहीं किया करके. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग. मतलब मेरा फायदा होना चाहिए, कंपनी डूब रही है तो डूब. इसने ऐसा नहीं सोचा, इसने पूछा नहीं कंपनी का फायदा होना चाहिए, लेकिन उसने क्या सोचा वाई ने कि कंपनी डूबेगी तो चलेगी, मेरा फायदा होना चाहिए. फर्दर डिवीजन वाई इज ट्रेड पेबल आर मोर देन डबल. अब वो क्रेडिटर्स को भी पेमेंट नहीं कर रहा है. जब क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिटर्स ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ, कम हुआ तो रिटर्न कम आया,
राइट, तो आपका आरओआई बढ़ जाएगा करके। फर्दर डिवीजन वाई, ट्रेड पेबल आर मोर देन डबल दोज ऑफ डिवीजन डी इन पार्ट वन वुड एक्सपेक्ट दिस ड्यू टू द हायर सेल्स ऑलमोस्ट 60% मोर देन द डिवीजन डी एंड हाउ कैश लेवल ऑफ एट डिवीजन वाई हायर ट्रेड पेबल लीड्स टू रिडक्शन इन द नेट एसेट्स फिगर द फैक्ट बी वाई डी रिवाइडिंग हाई विद द बोनस इवन दो रिलेशनशिप विद द सप्लायर में बैडली इफेक्टेड इज अगेन ए केस ऑफ सॉप। अब देखो, अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करोगे तो क्रेडिटर्स आपको कैसे देगा, लेकिन आप देखो इसने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट नहीं किया है। क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए, 5920 और इसके कितने 2A, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गए करके। आर यू गेटिंग नाउ? इफ प्रॉफिट मार्जिन एक्सक्लूडिंग ऑफिस एक्सपेंस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, अब देखो अगर अपन प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, देखो जरा एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स अपन देखते हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स देखो, ये प्रॉफिट और ये आपका सेल्स इंटू 100। नाउ व्हाट इज योर प्रॉफिट इज 5290, ये यहां पे ले लो आप, इट मींस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इट मींस डिवीजन वाई डिवीजन डी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 5290 कितने का सेल है, 29,000 इनटू 100 कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 3940 कितने का एसेट्स एम्प्लॉयड है, 17400 इंटू 100, 5290 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 29,000 आपका आ रहा है 18.24%, और इसका प्रॉफिट आ रहा है 3940 डिवाइडेड बाई 17400 इंटू 100 इज 22.64। इफ द प्रॉफिट मार्जिन एक्सक्लूडिंग एचओ ऑफिस कॉस्ट एज ए परसेंट ऑफ सेल्स कैलकुलेटेड इज कम्स टू 18.24, 5290 डिवाइडेड बाई 29,000 फॉर डिवीजन वाई इज 22.64, 3940 डिवाइडेड बाई 11,700 फॉर डिवीजन डी, देयरफॉर इट कैन बी सीन दैट डिवीजन डी इज परफॉर्मिंग बेटर इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इग्नोर्ड, ROI simply distorting the division D's performance. Phi might feel extremely disappointed by getting nothing and in the future he may opt postpone for investment to increase the bonus. Non-investing in few new technology and equipment will mean that BYD will not kept updated with the industry change and its overall competitiveness will be affected. अब क्या होगा, आगे जाके ये डिवीजन करेगा ही नहीं इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्ट करेगा तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा तो उसको आरओआई इफेक्ट होगा, अब आरओआई इफेक्ट होगा तो उसका बोनस नहीं मिलेगा उसको, तो वो आगे ये सोचेगा ना यार मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, और नहीं करेगा तो कंपनी आउट हो जाएगी, तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन का केस हो गया। ब्रीफली द यूज ऑफ आरओआई रिजल्टिंग इज ए सब ऑप्टिमल डिसीजन, जो मैंने आपको बोला मेकिंग ए लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस What is good for the manager is not necessarily good for the company too and vice versa. Hence, ROI is not justifiable basis for computing the bonuses of divisional manager and also cause problem for VYD. ये contradictory आपको मिल गया, तो ये सम को आप बहुत अच्छे से करिए, इसके बाद आपको मैं next करवाता हूँ आपका EVA वाला part, वो जरा बराबर से देख लीजिए, ओके? ये सम्स को बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिल सकते हैं, ओके? थैंक यू।